हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम में कंट्रा वाउचर में दो वीडियोस मैंने बनाए हैं, फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। और सबसे पहले देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली पर हम मौजूद हैं और यहां पर मौजूद रहते हुए हमें क्या करना है, वाउचर एंट्री पास करनी है। तो यहां पर कई तरीके मैं बता चुका हूं एंट्री पास करने के, तो यहां पे हम चलते हैं सीधा वाउचर नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। तो वी प्रेस कर दिया, वाउचर में आ गए। कंट्रा वाउचर में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से फंक्शन बटन F4 प्रेस करना है अगर आप नहीं गए हैं तो, और आपके पास बैंक अकाउंट के खाते होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर अल्टर पर आकर के, और यहां पर दिखाता हूं ये लेजर्स में आ जाते हैं। दो बैंक अकाउंट है हमारे पास, एक एक्सिस बैंक है, तो यहां पर एक्सिस बैंक है और फिर कौन सा है ये देख लीजिए, ये एक है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने बनाया हुआ है। ठीक है, एक्सिस बैंक आपने देखा और पंजाब नेशनल बैंक, तो ये दो बैंक खाते हैं हमारे पास। आप चाहे तो और भी बैंक खाते का लेजर बना सकते हैं, क्रिएट पर चले जाइए और लेजर पर चले जाइए। एक मैं क्रिएट करके दिखा भी दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे कर देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां पे लिखता हूं स्टेट बैंक ऑफ, ये कर दिया हमने एंटर प्रेस किया। यहां बैंक अकाउंट में जाएगा और यहां पर अकाउंट नंबर आएगा, तो यहां पे जो अकाउंट नंबर है वो डाल देता हूं, ये डाल दिया हमने अकाउंट नंबर, और आईएफएससी कोड जो इसका है वो आ जाएगा। इंटरफेस करेंगे और यहाँ पे देखिए ब्रांच का है। ठीक है, तो यहाँ पे देवरिया ब्रांच है, तो मैं यहाँ देवरिया कर देता हूँ। इंटरफेस किया, चेकबुक अभी रहने देता हूँ, इंटरफेस करते हुए इसे करा लेता हूँ एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट का खाता बना सकते हैं, ऐसे ही मैंने भी बनाया है, आप भी बना सकते हैं बहुत ही इजिली। तो ये तीन बैंक अकाउंट के खाते हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें सीधा चलना है वाउचर्स में। ठीक है, तो वी प्रेस कर दिया, वाउचर्स में आ गए। कंट्रा वाउचर में हमें ये शो हो रहा है, तो पहली जो सबसे आसान एंट्री का तरीका है वो बता देता हूं। आपके खाते में पैसा जमा होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपके खाते में पैसा जमा करने के लिए कंट्रा वाउचर प्रयोग में लाया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है, टैली सॉफ्टवेयर बिजनेस के पर्पज से यूज होता है। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं इसलिए टैली का सॉफ्टवेयर रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले तो मोड चेंज कर दीजिए, तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिए, आप आ जाइए सिंगल एंट्री मोड में। यहां पर बहुत ही आसानी के साथ जिस भी बैंक में जाएगा पैसा उसे रखेंगे अकाउंट में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जा रहा हो तो यहां पर आ गए, अब क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो यहां पर कैश कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 7000 रुपए कैश जमा हो रहा है। ठीक है, अभी तक एक भी रुपया था नहीं, 7000 रुपए कैश जमा हो रहा है। एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे नोटों की डिटेल आएगी। ठीक है, तो 2000 की दो नोट, और इसी में एक सवाल आया था कि सर 1000 की नोटों की डिटेल के लिए, तो देखिए 2000 की दो नोट इंडिया में तो खत्म हो गया, 1000 का नोट तो अभी नहीं चल रहा है। तो यहाँ 2000 की दो नोट तो 4000 हो गया। ठीक है, और 1000 की तीन नोट तो ये कुल मिला के हो गया 7000 रुपए, एडजस्ट हो गया। एंटरप्रेस किया, बैंक का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, इसी में जा रहा है ये, स्पेसिफिक बैंक नेम यहाँ पर आ जाएगा। एंटरप्रेस कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये कर दिया, एंटरप्रेस कर दिया, यहां पे नरेशन डाल सकते हैं, एंटरप्रेस कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको डबल एंट्री मोड समझाता हूं। ठीक है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिए, अब सिंगल एंट्री को डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया। 7000 रुपए किसमें डाले आपने, पंजाब नेशनल बैंक में। अब जो भी बैंक जो है, जिस बैंक से आप पैसा लेंगे, ठीक है, उस बैंक को क्रेडिट में रखेंगे। ठीक है, यहां पर आ गए पंजाब नेशनल बैंक में 7000 रुपए हैं, 7000 रुपए में से 5000 रुपए निकाल रहा हूं। ठीक है, ये 5000 रुपए निकले। ठीक है, एंटरप्रेस किया, और यहां पर कौन से बैंक में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पंजाब से निकला और एक्सिस में जा रहा है, या फिर स्टेट में जा रहा है, स्टेट में मान लीजिए डाल देते हैं इसे, तो स्टेट में जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है, 5000 रुपए जा रहा है। एंटरप्रेस किया, बैंक का नाम डाल सकते हैं आप स्टेट बैंक। ठीक है, स्पेसिफिक बैंक नेम पे जाइए, एंटरप्रेस कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए स्टेट बैंक, सिर्फ स्टेट बैंक ही लिख देता हूं ऑफ इंडिया। एंटरप्रेस किया, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर अब पंजाब नेशनल बैंक में कितने बच गए, 7000 कुल थे और 5000 तो डाल दिए स्टेट में, तो आपके अभी कितने बचे, 2000 बचे। तो जब मैं यहां पे देखिए, अब फिर यहां पे पंजाब नेशनल बैंक ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है, 2000 दिखाई पड़ रहा है ना। अगर मैं 3000 यहां से निकालने की कोशिश करूंगा तो ये हम नेगेटिव में आ जाएगा, 1000 रुपए नेगेटिव आएगा। ठीक है, एंटरप्रेस किया, यहां पर आ गए। तो यहां पर देखिए 1000 रुपए रेड में शो होने लगा, इट मींस कि 1000 रुपए लेस है आपके पास, आप 1000 रुपए ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके पास है ही नहीं, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, कि ये रेड में क्यों आ रहा है और इसको कैसे हम एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है। अब देखिए,
एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर करना सीख लिया, ठीक है। कैसे ट्रांसफर किया देखिए, जैसे मान लीजिए, अब फिर दिखाता हूं एक बार और, ये देखिए ये एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट माने इसमें से पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है, और अगर डेबिट करते तो इसमें पैसा डाला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, कैश कर देता हूं, अभी हम इसमें पैसा डालते हैं, तो मान लीजिए इसमें मैं पैसा डाल देता हूं 50,000 रुपए डाल देता हूं, तो ये 50,000 रुपए डाल दिया, ठीक है। और कहां से डाल रहा हूं, तो ये कैश डाल रहा हूं, अगर पंजाब से डालने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है, पंजाब से डालने की कोशिश करेंगे तो आपका, देखिए मैं आपको फिर दिखा देता हूं, आपको दिक्कत होगी यहां पर, नेगेटिव कैश की केस के लिए दिक्कत आएगी, यानी कि रेड में शो करेगा आपका। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से कैश निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका कैश नेगेटिव में शो करेगा, देखिए कैसे, ये यहां पे गए और अब 50,000 रुपए निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब एंटर प्रेस किया, यहां पर आ गए, ठीक है, क्रेडिट किया हमने, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे कैश, ठीक है। तो यहां पे देखिए 48,000 रुपए नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि रेड में आने का मतलब कि ये नेगेटिव में है, आपके पास है नहीं, आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहां पर रख देता हूं कैश, तो यहां पे कैश कर दिया, अब ये नेगेटिव नहीं आएगा। अब इसी को डाल देता हूं पंजाब में, ठीक है, ये डाल दिया, एंटर प्रेस किया, अब यहां पे डिटेल डालनी है, तो 25 नोट है 2000 की, सीधा सीधा कर देता हूं, और ये हो गया आपका एंट्री पास, ठीक है। इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जो डाल रहा है आपके खाते में पैसे, या किसी अदर बैंक से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी काम आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी, अगर कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।